अगर आपका YouTube पर शॉर्ट्स वीडियोस का चैनल है, यानी आप ऐसे वीडियोस YouTube पर पब्लिश करते हैं जिनकी ड्यूरेशन एक मिनट से कम है, या फिर आप कोई YouTube शॉर्ट्स चैनल बनाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 1 फरवरी 2023 से अब आप शॉर्ट्स वीडियोस चैनल को भी मोनेटाइज कर पाएंगे और उससे पैसे कमा पाएंगे। जैसे कि लॉन्ग वीडियोस वाले चैनल को मोनेटाइज किया जाता है, उस पर एड्स आते हैं, उससे क्रिएटर की कमाई होती है, ठीक उसी तरह से शॉर्ट्स वीडियोस चैनल को भी मोनेटाइज किया जाएगा, उस पर भी एड्स आएंगे और उससे भी क्रिएटर की कमाई होगी। सो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट्स वीडियोस चैनल को मोनेटाइज कराने का क्राइटेरिया और शॉर्ट्स वीडियोस पब्लिश करने का प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। YouTube पर शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करके पैसे कमाने के लिए पहले आपको एक YouTube चैनल क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आप जाएंगे अपने YouTube एप्लीकेशन में। जब आप YouTube पर कोई शॉर्ट वीडियो पब्लिश करेंगे तो वो पब्लिक को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो पब्लिश किया हुआ है, इस पर क्लिक करके कोई भी इसको वॉच कर सकता है। तो पहले आपको चैनल क्रिएट करना होगा, इसके लिए आप ऊपर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। जब आप अपनी जीमेल आईडी के थ्रू YouTube एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो आपका एक YouTube चैनल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आपको यूअर चैनल पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपने YouTube चैनल का नेम, हैंडल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। नेम चेंज करने के लिए आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको नेम रखना है अपने चैनल का, वो आप यहाँ टाइप करके सेव कर देंगे। इसके बाद आप एक YouTube हैंडल सेट कर सकते हैं, पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपको हैंडल रखना है वो आप यहाँ टाइप करेंगे और सेव कर देंगे, तो आपका YouTube हैंडल सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन ऐड करना होगा। तो इसके लिए आप इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चैनल का डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। अपने चैनल का आपको एक लोगो ऐड करना होगा। तो लोगो ऐड करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, अपना लोगो या फोटो चूज करेंगे। इस तरह से आपके सामने इमेज आ जाएगी। तो जितना आपको लोगो में रखना है वो आप यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। नीचे आप सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपका लोगो सेट हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ एक कवर फोटो लगा सकते हैं। आप इस कैमरा आइकन पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट फोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर आप गैलरी से भी चूज कर सकते हैं। अब आपका चैनल वीडियो अपलोड करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ से आप अपने चैनल का URL कॉपी करेंगे और इसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अपने चैनल पर आप जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट वीडियो अपलोड करना लॉन्ग वीडियो के कम्पेयर में काफी आसान होता है, क्योंकि इसके लिए न तो आपको कोई कैमरा सेटअप करना है, न ही किसी वीडियो एडिटर की जरूरत है और न ही कोई स्पेशल टॉपिक रेडी करना होता है। जस्ट आपको यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से वीडियो बनाया हुआ है तो आप अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप सीधे क्रिएट ए शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको YouTube की तरफ से एक इनबिल्ट वीडियो एडिटर मिलता है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको आप YouTube पर पब्लिश करना चाहते हैं। जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। अगर आपको साथ में कोई ऐसा वीडियो ऐड करना है जो आपने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी वीडियोस आ जाएंगे जो आपने अपने मोबाइल फोन में स्टोर किए हुए हैं। आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए वीडियो यहाँ पर आ गया है, डन। तो इसमें दो वीडियोस हो चुके हैं, एक तो आपने डायरेक्ट रिकॉर्ड किया है और दूसरा आपने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ ऐड किया है। तो दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको ग्रीन स्क्रीन यूज करनी है तो आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि जिसका भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पीछे जो भी बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और उस बैकग्राउंड में आप अपनी कोई भी वीडियो या इमेज लगा सकते हैं। तो यहीं पर आप डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और डायरेक्ट आप साथ साथ में उसको एडिट करते जाते हैं। अगर आपको फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रंट कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो बैक कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपने वीडियो की स्पीड चूज कर सकते हैं, किस स्पीड में आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। यहाँ से आप अपने वीडियो में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अपने वीडियो में म्यूजिक ऐड करने के लिए आप ऊपर ऐड साउंड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ढेर सारे साउंड्स आ जाएंगे। जो भी आपको अपने वीडियो में यूज करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहीं पर आप इसको सुन सकते हैं और आप इस आइकन पर क्लिक करके इसको अपने वीडियो में प्लेस कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे, डन। अब देखिए जो भी आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है और ऐड किया है वो सब आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसका म्यूजिक चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट पर क्लिक करके आप इसमें टेक्स्ट
टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप टेक्स्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। आप टेक्स्ट का स्टाइल ऊपर से चेंज कर सकते हैं। इस आइकन पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को एक बैकग्राउंड दे सकते हैं। अलाइन आप यहाँ से कर सकते हैं, नीचे यहाँ से आप कलर दे सकते हैं और यहाँ से आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद डन। इसके बाद आप इस टेक्स्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको वीडियो में फिल्टर्स अप्लाई करने हैं तो आप फिल्टर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने वीडियो में फिल्टर्स डाल सकते हैं। सो इस तरह से आप एक शॉर्ट वीडियो रेडी करेंगे जिसकी ड्यूरेशन 1 मिनट से कम होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आप अपने वीडियो का टाइटल रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद आप एक हैशटैग यूज करेंगे, तो यहाँ से आप हैशटैग लेंगे और इसमें आप टाइप करेंगे शॉर्ट्स। यहाँ से आप शॉर्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको ऑडियंस सिलेक्ट करनी होगी। अगर आपने ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए बनाया है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर बच्चों के लिए नहीं बनाया है तो नो रखेंगे। इसके बाद है कमेंट सेक्शन, इसको आप अलाउ कर देंगे, अलाउ ऑल कमेंट्स। इसके बाद अपलोड शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। सी वीडियो पर क्लिक करके आप अपना वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपलोड हो रहा है। जैसे कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है, इस पर क्लिक करके यहाँ आप इसको वॉच कर सकते हैं। ये हमने वीडियो बनाया है और ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो चुका है। बाद में अगर आप अपना वीडियो डिलीट करना चाहे तो आप यही 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, नीचे आप डिलीट आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। सो ये तो बात हुई कि कैसे आप एक YouTube चैनल क्रिएट करेंगे और कैसे आप शॉर्ट्स वीडियोस क्रिएट करके उस पर पब्लिश करेंगे। अब बात करते हैं कि आपका शॉर्ट्स चैनल मोनेटाइज कैसे होगा। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, यानी आप अपने YouTube शॉर्ट्स चैनल को कब और कैसे मोनेटाइज करा सकते हैं, तो उसके लिए YouTube की तरफ से अभी एक न्यू अपडेट आई है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप अपने YouTube चैनल पर लॉन्ग वीडियोस पब्लिश करते हैं तो आपको 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम करना होगा। लेकिन अगर आप अपने YouTube चैनल पर सिर्फ शॉर्ट्स वीडियोस पब्लिश करते हैं तो आपको 90 डेज में 1000 सब्सक्राइबर्स और 10 मिलियन व्यूज करने होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर लॉन्ग वीडियोस डालते हैं तो आपको 12 महीनों का टाइम मिलता है, यानी चैनल बनाने से लेकर आपको अगले 12 महीनों में 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम करना होता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस डालते हैं तब आपको 90 डेज का टाइम मिलता है और इसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 10 मिलियन व्यूज करने होते हैं। ये टारगेट पूरा करने के बाद ही आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। जो कि आप यहाँ इस इमेज में भी देख सकते हैं, आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और अगर लॉन्ग वीडियोस पब्लिश करते हैं तो 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए 12 महीनों में, और अगर शॉर्ट्स वीडियोस पब्लिश करते हैं तो 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज चाहिए। और अगर आप अपने YouTube चैनल पर लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों तरह के वीडियोस डालते हैं तो शॉर्ट्स वीडियोस से जो भी व्यूज आएंगे उसका वॉच टाइम आपके लॉन्ग वीडियो के वॉच टाइम में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप इस टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन के लिए सबमिट करने का प्रोसेस सेम है, आपको अपने YouTube स्टूडियो में जाना है। इसमें आप मोनेटाइजेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना टारगेट देख सकते हैं कि कंप्लीट हुआ है या नहीं। जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाएगा या फिर शॉर्ट्स वीडियोस पर 10 मिलियन व्यूज हो जाएंगे तो आपको यहाँ अप्लाई का एक बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टारगेट कंप्लीट करने के बाद यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए कैसे सबमिट करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस एक वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस तरह से आप एक YouTube चैनल क्रिएट करके उस पर शॉर्ट्स वीडियोस पब्लिश करके उसको मोनेटाइज करा सकते हैं। इसके बाद अपने YouTube चैनल को मैनेज करने के लिए आपको YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। आपके वीडियोस पर जितने भी कमेंट्स आएंगे उनके रिप्लाई सब आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। आपके वीडियोस पर कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने टाइम आपके वीडियो को देखा जा रहा है, उससे कितनी अर्निंग्स हो रही है, वो सब आप इस एप्लीकेशन में देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।